व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितना शानदार रॉकेट है यहाँ पर। ये जो फर्स्ट रॉकेट है हमारी कंट्री का, इसको जब फर्स्ट टाइम लेके गया गया था तो इसको बाइसिकल पर लेकर गया था। जी हाँ, साइकिल पर लेके गए थे इसको, जब इसको फर्स्ट टाइम इसके स्टेशन तक लेकर गए थे जहां से इसे लॉन्च करना था, थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरला से इसको लॉन्च किया गया था। आप लोग समझ सकते हैं कितने गुर्बत के दिन हुआ करते थे वो, और आज की डेट में हम लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होती है ना, सारी चीजें ऐसी होती हैं, पर लेकिन जैसे जैसे हम लोग चलते रहते हैं, अपनी जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया है उसकी एक प्लान बनाकर हम लोग स्ट्रेटजिकली उसको फॉलो करते रहते हैं, तो फिर ऐसे ऐसे हम लोगों को कामयाबी की सीढ़ी मिलती चली जाती है। तो इसी तरीके से अगर आपको स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको सोचिए कि ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आपके सामने इससे भी बड़ी बड़ी अगर प्रॉब्लम आएगी तो उनको झेलने की आप लोगों के अंदर पावर आ जाएगी। तो कुछ ऐसी आप लोग आज के डेट में सिचुएशन देख सकते हैं अपनी डीआरडीओ की और अपने इसरो की। तो इस तरीके से आज के डेट में वर्ल्ड के लेवल पर हम लोग उनसे, वर्ल्ड के लेवल की जो एजेंसी है उनसे हम लोग आज के डेट में कम्पीट कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमेशा ये सोचना है कि ये दिन ऐसे निकल जाएंगे और ये दिन अच्छे हैं अगर ये मेरे लिए आ रहे हैं। बहुत से इंसानों को नसीब नहीं होती हैं ये चीजें, ठीक है, आप लोगों के सामने है, तो आप लोग उनसे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ अपना तरकीब ढूंढेंगे और फिर वो तरकीब आप लोग फ्यूचर में भी अपना यूज कर पाएंगे उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। तो इसलिए जो भी लीडर होता है वो आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर निकला होता है, और जब लाइफ में फ्यूचर में उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ऐसे। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमेशा खुश हो जाइए कि वाओ, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है और मुझे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना होगा, इसीलिए लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम मेरी आ रही है। ओके, 7th मार्च है, नैनो मैगजीन के तहत हम लोग देखेंगे पीआईबी योजना, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कल जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे उनके आंसर्स भी देखेंगे। काफी शानदार हम लोगों का डिस्कशन रहने वाला है, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर डिफेंस एक्सपो इंडिया 2018 के बारे में, इसके बारे में याद रखिएगा थोड़ा, ये लोकेशन कई बार पूछ ली जाती है। अब की बार का जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है अप्रैल 11 से 14 तक ये चेन्नई में होने वाला है। बात करूं 2016 की, आप लोगों को देखने को मिलेगा ये न्यू दिल्ली में हुआ था, और 2017 की ये गोवा में हुआ था, और अब का ये 10th एडिशन जो होने वाला है ये चेन्नई में होने वाला है। बहुत सारे सेवरल्स यहाँ पर आप लोगों को कंपोनेंट दिखाए जाएंगे जो कि तीनों सर्विसेज से, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से यहाँ पर अवेलेबल होंगे। एक तरीके का एग्जीबिशन ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरीके से फर्स्ट टाइम जो चेन्नई में हो रहा है आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले अब तक 9 एडिशन हो चुके हैं, एक दो एडिशन याद रखने की जरूरत है, सारे एडिशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अब की बार का जरूर याद रख सकते हैं आप लोग, अब की बार हो रहा है चेन्नई में अप्रैल 2018 का, जो है अप्रैल 11 से 14 तक का। आइए अब आगे चलते हैं। वाइल्ड लाइफ डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 3rd ऑफ मार्च को, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। अब की बार की जो थीम थी यहां पर ये थी, यहाँ पर ये थीम थी बिग कैट्स प्रीडेटर्स अंडर थ्रेट। तो देखिए आप लोगों को एक तो देखने को मिलता है प्रे, मतलब जो शिकार होता है, जिसका शिकार किया जाता है, और एक मिलता है प्रीडेटर बोलते हैं उसको बोलते हैं परभक्षी, मतलब एक जो दूसरों का शिकार करता है। तो खतरे में कौन है? शिकारी खतरे में है, ना कि जिसका शिकार हो रहा है वो खतरे में है। अगर ये शिकारी खतरे में होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी हमारे यहाँ पर। आप लोग देखते हैं जो बड़ी बड़ी कैट्स हैं, जैसे आप लोग ले सकते हैं लायन वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि जंगल में पाए जाते हैं, तो एक फूड चेन को कंप्लीट करते हैं। अगर उनकी संख्या में गिरावट आती है तो फूड चेन में गिरावट आएगी, और ये देखने को मिला है। अब तक का टाइगर की जो संख्या में कमी आई है 95% पास्ट 100 ईयर में खत्म हो चुके हैं। इसी तरीके से अफ्रीकन लायन की बात की जाए तो 40% लगभग 20 साल में खत्म हो चुके हैं। तो इन्हीं सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए 20 दिसंबर 2013 से 68th एडिशन था यहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जहां पर बोला गया था कि 3 मार्च को हम लोग यूएन वर्ल्ड लाइफ डे यहां पर UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे अवेयरनेस फैलाने के लिए कि किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट दोनों के बारे में बात की जाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो ये थीम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बारे में, खासकर इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करूं म्यांमार की, आप लोग यहाँ पर मैप में निहार सकते हैं, म्यांमार हो गया, ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो स्टेट यहाँ पर टच कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो स्टेट कई बार पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, पूछ लिया कौन कौन सा यहाँ पर एरिया है जो कि यहाँ पर टच करता है म्यांमार के एरिया को। तो चार स्टेट है यहाँ पर, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, और ये हो गया मिजोरम। चार स्टेट्स के आप लोग नाम याद रख सकते हैं, अगर मैं बताऊं कितना एरिया यहाँ पर टच करते हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो टच करता है वो अरुणाचल प्रदेश है 520 किलोमीटर, नागालैंड करता है 215,
मणिपुर करता है 398 और यहाँ पर मिजोरम करता है 510। ये आप लोगों से कोई पूछे तो याद रख सकते हैं। टोटल इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर शेयर किया जाता है ये लगभग 1643 किलोमीटर का बॉर्डर यहाँ पर शेयर करते हैं इनके साथ में हम लोग। तो होता क्या है, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है जिस कंट्री के साथ में हम लोग बॉर्डर टच करते हैं वहां से लोग बड़ी आसानी से इधर उधर आते जाते हैं, पर लेकिन उस जो फ्री मूवमेंट होता है लोगों का आने जाने का, कई बार बहुत सारी उल्टी सीधी एक्टिविटी होती है जिससे इंटरनल सिक्योरिटी की थ्रेट रहती है, तो उस सबको रोकने के लिए यहाँ पर एक तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा पासपोर्ट दिया जाएगा, एक तरीके का वीजा टाइप का जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी आप लोग, एक तरीका मतलब कुछ ऐसा होने कार्ड टाइप का दे देते हैं कि हाँ ये इस पास के आसपास वाले एरिया में रहते हैं। तो लगभग 16 किलोमीटर के इर्द गिर्द में जो भी रेजिडेंस रहते हैं, रेजिडेंशियल जो एरिया है बॉर्डर के, उन सबको मिलाकर यहां पर ये इस तरीके की प्रोविजन बनाने की कोशिश की गई है। एम यही है जिससे कि लोगों को जो वैलिड और जेन्युइन पर्सन है वो इधर से उधर आ जा सके, उनको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक और सोशल इंटरेक्शन है वो बना रहे और कोई उसमें गिरावट न आए, एक तो बात ये है। नेक्स्ट बात ये देखने को मिलेगी जो ट्रेडिशन है, जो राइट्स है, जो आसपास वाले एरिया में यहाँ पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़े और आसानी से उनका भी मूवमेंट यहाँ पर बना रहे। लगभग 250 विलेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे आसपास वाले एरिया में रहते हैं और लगभग 3 लाख लोग यहाँ पर इसमें रहते हैं 10 किलोमीटर की एरिया में, अगर बॉर्डर के इर्द गिर्द हम लोग बात करें म्यांमार और इंडिया के। तो इसलिए यहां पर देखने को मिलेगा अगर कल को इनके एवज में इनको बाढ़ बनाकर यहां पर कोई एक्सट्रीमिस्ट या कोई स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा है फ्रीली बॉर्डर को, तो उसको रोका जाएगा। उसी के लिए यहां पर जो लोग रहते हैं आसपास बॉर्डर के उनको पासिस दिए जाएंगे ताकि वो आसानी से आ जा सके, जो जेन्युइन पर्सन है उनको रोका ना जा सके और जो यहां पर स्मगलर है या कोई एक्सट्रीमिस्ट पर्सन है उनको वहीं पर ही रोका जा सके। तो इसी के लिए यहां पर इस तरीके का प्रोविजन किया जा रहा है। याद रखिएगा बात कर रहे हैं इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बारे में, कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, और जिस तरीके से न्यूज में रहता है आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कितनी बाउंड्री टच कर रहे हैं और ऊपर से नीचे तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग यहां पर आ सकते हैं सबसे ज्यादा कौन टच करता है, तो यहां पर हो गया अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, मिजोरम तीसरे नंबर पर, मणिपुर चौथे नंबर पर, नागालैंड। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, एक एक्रोनिम कोई भी बना लीजिए जिससे आप लोग इसको थोड़ा याद रख सकें। आइए अब आगे चलते हैं, काफी न्यूज में है ये वुमेन भी, कई सारे न्यूज़पेपर भी इसको कवर कर चुके हैं। तो वुमेन जो पर्सनैलिटी न्यूज में रहती है कई बार उसके बारे में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट दलित वुमेन है, कहाँ की सीनेटर है ये, पाकिस्तान की। आज तक कोई भी दलित वुमेन सीनेटर पाकिस्तान में नहीं बनी है, ये है कृष्णा कुमारी कोहली, इनका नाम याद रख सकते हैं, दलित वुमेन सीनेटर है वहां पर पाकिस्तान में, सिंध प्रोविंस से ये बिलोंग करती हैं। ओके, इसके अलावा आप लोग थोड़ा सा जब इस तरीके की बातें आती हैं इसलिए थोड़ा याद हो जाता है, क्योंकि जब वुमेन से रिलेटेड कोई बात आती है तो देखिए पाकिस्तान में बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहती है वुमेन के लिए, पर कोई वुमेन इस तरीके से निकलकर सामने आ रही है तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो वुमेन माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनके बारे में बात करती है हमेशा पाकिस्तान में, जिस तरीके से किस तरीके कंडीशन रहती है उसको सुधारने की कोशिश करती है, तो थोड़ा याद रख सकते हैं। ये इनकी पार्टी आप लोग याद रखते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। और हाँ, एक बात और बता देता हूं, फर्स्ट अगर हिंदू वुमेन की बात की जाए तो वो थी यहां पर रत्ना भगवान दास, ठीक है ना, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं यहां पर, जिस तरीके से यहां पर इनका नाम है, ये दलित वुमेन है और वो हिंदू वुमेन थी। ठीक है, तो थोड़ा सा कई बार इस तरीके की बातें पूछ ली जाती है एग्जाम में भी। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। एक मैगजीन यहां पर निकाली जाती है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, मंथली मैगजीन है, पूछा जा सकता है कैसी मैगजीन है दी भाई, ये 6 मंथ की है, 1 साल की है, तो ये मंथली मैगजीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस मैगजीन के तहत इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में यहां पर बताया जाएगा। मैगजीन का नाम है यहाँ पर नमस्ते सैलोम, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं इसका मैगजीन का नाम है, जो कि एक मंथली मैगजीन है, ये डेवेटेड करेगी इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में बताएगी। एम यही है कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशन, और एक तरीका प्लेटफॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें व्यूज एक्सचेंज किए जाएंगे यहाँ पर इंडियंस और ज्यूज के ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर हम दोनों के रिलेशन बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो बुक के तौर पर भी आप लोगों को जो बुक इन न्यूज होती है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नमस्ते सैलोम नाम याद रखेगा, मैगजीन का नाम है, मंथली मैगजीन है, इंडिया और इजराइल के रिलेशन को दर्शाती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं, जिस तरीके से H1B वीजा न्यूज में रहता है इसी तरीके से H4 वीजा आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है इसके बारे में, ये यूएसए से रिलेटेड है। दूसरी बात क्या है, ये जो H1B वीजा होता है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर हमारी कंट्री का कोई स्टूडेंट वहां पर मतलब जॉब करने के लिए जाता है अपना कोई एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में, तो कोई पर्सन अगर जॉब करने जाता है एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, मतलब वहां रहने का राइट नहीं देता है, जॉब करने का राइट देता है, पर इसके साथ में इसकी फैमिली भी जाएगी, तो इसके जो फैमिली में जिसके आसपास वाले पर्सन है अगर वो भी जाना चाहते हैं वहां पर, जैसे वाइफ वगैरह हो गई
या बच्चे हो गए जो कि 25 साल से नीचे के बच्चे, 25 साल से नहीं 21 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, अगर वो भी जाना चाहते हैं तो उनको प्रोवाइड किया जाता है H4 वीजा। तो इसके ऊपर कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही थी, बहुत सारे पर्सन थे जिनके रिलेटिव यहाँ पर पहुंच जा रहे थे, तो इसको कई बार यहाँ पर बात की जा रही थी कि ये जो टर्मिनेट करने की बात की जा रही थी इसको, कि जो जॉब करने आते हैं ओनली उसी को दिया जाएगा। पर लेकिन अब जो फिर बार में इसके बारे में सोचने की बात आई कि हाँ ऐसे ऐसे करना है वैसे करना है, वो ऐसे करना है कैसे करना है वैसे करना है, वो सारी बातें साइड में रखनी है, हम लोगों को ये देखना है एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा। H1B वीजा किस कंट्री से रिलेटेड है, USA से रिलेटेड है, किससे, दूसरा वीजा कौन सा है, इसके पैरेलल में आप लोगों को देखने को मिलेगा H1B वीजा, उसी के साथ में आप लोगों को H4 वीजा नजर आता है, जो कि जो इंसान H1B वीजा लेकर जॉब करने जाता है उसका फैमिली मेंबर को यहां पर लेना पड़ता है H4 वीजा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगर बेटर की बात करी जाए H1B वीजा यहाँ पर बेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पार्टनर को मतलब पार्टनर जो होता है या बच्चे होते हैं वो एक तरीके से यहाँ पर USA में जाते हैं, उनको ये वीजा दिया जा सकता है या फिर फैमिली मेंबर आप लोग बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है H1 ये बोल देंगे, H4 क्या है, एक वायरस का नाम है, वीजा का नाम है, एक सुपर कंप्यूटर का नाम है या फिर किसी मेडिसिन का नाम है, तो कुछ भी क्वेश्चन बना के आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी तो आप लोग आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर GCNEP के बारे में, ये क्या है, ये है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। किस किस से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है यहाँ पर इंडिया और वियतनाम के बारे में बात की जा रही है, दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन की है, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एंड पार्टनरशिप इंडिया के साथ में और वियतनाम के, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या है, वियतनाम एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन। तो ये इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस तरीके मिलकर रिलेशन बना रहे हैं ताकि जो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी है उसका सिविल जो सिविल पर्पज के लिए हम लोग यूज कर सकें। ठीक है, जो यहाँ पर ये दोनों कंट्री ने यहाँ पर साइन किया था कोऑपरेशन न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2016 में, अब उसको और ज्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। लोकेटेड कहाँ पर रहेगा, ये लोकेशन कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, आप लोग लोकेशन याद रख सकते हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा में ये आप लोगों को लोकेशन यहाँ पर नजर आएगी। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा 6 यहाँ पर R&D डिपार्टमेंट, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर स्टेब्लिश किए जाएंगे, किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एंड एनर्जी। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री का बहुत ज्यादा फोकस है कि हम लोग पोल्यूशन एंड जो कई सारी एनर्जी सोर्सेज है जिनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है उसको रोका जाए और अच्छे से अच्छे हम लोग फोकस देकर चले ताकि हम लोग एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, तो उसी के बारे में आप लोगों के सामने नजर आते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा इसके बारे में याद रख सकते हैं किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा, सेफ गार्ड किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हो सकते हैं यहाँ पर, मतलब कोई प्रॉब्लम ना पहुंचे तो उन सेफ गार्ड के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा अच्छे से किस तरीके से एनर्जी को यूज कर सकते हैं, नए नए रिएक्टर बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनसे किस तरीके से सिक्योर रहा जा सकता है, सेफ रहा जा सकता है, किस तरीके से एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, टेक्नोलॉजी किस तरीके से एक दूसरे से यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटी मॉनिटरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, सब चीजों में यहाँ पर मिलजुल कर वर्क करेंगे कौन कौन, इंडिया और वियतनाम। तो याद रख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्लोरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन डिजाइनिंग हो रही है और किस तरीके से यहाँ पर सेफ्टी होनी है, किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी होनी है, सब चीजों के बारे में जिक्र किया जाएगा। तो थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंडिया और वियतनाम है कहां पर है, आप लोगों को फिलहाल सेंटर आप लोगों को गुड़गांव में देखने को मिल रहा है। कई बार ये इंटरनेशनल रिलेशन की जब बात आती है ना, इस तरीके के पॉइंट कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। कई बार कई तरीके डैम यहाँ पर न्यूज में रहते हैं, आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये है सोमासिला डैम, आप लोगों से लोकेशन पूछ लिया जाता है कई बार, लोकेशन कहाँ पर है, ये है नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिवर कौन सी है, रिवर है यहाँ पर पिन्ना रिवर आप लोग याद रखते हैं, पिन्ना रिवर सोमासिला डैम। ठीक है, इसके अलावा आप लोग याद रखते हैं ये कृष्णा जो बेसिन है, मतलब कृष्णा रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, काफी बड़ी रिवर है खासकर सदर्न इंडिया की हम लोग बात करें तो उसके बेसिन में ये नजर आएगा। बेसिन जो वर्ड यूज होता है इस तरीके से आप लोग देखते हैं, जैसे उन्हें होता है बर्तन धोने का जो बेसिन होता है, तो वहां पर क्या होता है बहुत सारा पानी अगर आप लोग कहीं भी डालेंगे तो ऐसे नीचे को निकल जाएगा, तो ये जो ये वाला एरिया जो होता है ये बेसिन आप लोग इसको बोलेंगे। तो बहुत सारे एरिया में जो फैली रहती है जो रिवर वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, तो वहां पर उसको बेसिन बोल देते हैं। ठीक है, तो पिन्नार रिवर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये काफी बड़ा स्टोरेज भी बिगेस्ट स्टोरेज रिजर्व आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि पिन्नार रिवर पर है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक कैनाल भी है, ये भी याद रख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में पढ़ाया था उसके बारे में आप लोगों को याद होगा। अच्छा ये बताइए किस किस स्टेट से होकर वो जा रही थी, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, मैंने आप लोगों को डिटेल में उसके बारे में डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। तो इसका भी इसी तरीके से ये कैनाल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसका नाम है यहाँ पर कैवाली कैनाल, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर योजना का आर्टिकल देख लेते हैं। योजना के तहत हमारा GST चल रहा है, GST को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंस का एक क्वेश्चन है, हाउ डज अफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, मतलब जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस तरीके से ये इसका इफेक्ट हो रहा है, मतलब किस तरीके से ये इफेक्टिव है, ये आप लोगों को बताना है। GST इज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आसानी से बिजनेस करने के लिए GST का क्या फायदा है, ये बात करनी है आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस। थोड़ा देख लेते हैं आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है।
आर्टिकल को आप लोग देखेंगे जीएसटी ने कई सारी बातें प्रॉमिस की है। सबसे पहली बात तो ये की है कि एक कॉम्प्लिकेटेड जो टैक्स स्ट्रक्चर थी उसको इजी कर दिया। जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर इजी होती है वैसे वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इजी हो गया। पहले हमारी कंट्री की लगभग 130 रैंक हुआ करती थी, आज के डेट में हमारी 100 रैंक पर हम लोग आ गए हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिड्यूस करते हैं यहाँ पर टैक्स बर्डन। आप लोगों को देखने को मिलेगा जब यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर जब कास्केडिंग होती है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। आप लोगों अगर मान लीजिए कोई स्कूटर खरीद के लेके आ रहे हैं, पहले स्कूटर का खोल होता है, फिर उसके यहाँ पर टायर देखने को मिलता है, उसका हैंडल देखने को मिलता है, कई सारी वायरिंग होती है उसमें, तो अलग अलग जहां पर सिस्टम लेके आते हैं वो उसका कवर लेके आए उसके लिए यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ा, टायर लेके आए उसके लिए टैक्स पे करना पड़ा, वायरिंग करनी पड़ी उसके लिए टैक्स पे करना पड़ा, स्टेपनी वगैरह कुछ और लेकर आए उसके लिए टैक्स पे करना पड़ा, तो अलग अलग टैक्स पे करना पड़ता है। स्कूटर बनने के बाद में अलग से टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से कास्केडिंग ऑफ द टैक्स हुआ करती थी इनडायरेक्ट वे में, तो वो रिड्यूस हो गई यहाँ पर। जैसे जैसे वो रिड्यूस हो गई तो प्रोड्यूसर के ऊपर भी और कंज्यूमर के ऊपर भी इंपैक्ट कम पड़ा। तो सारा टैक्स यहाँ पर कैसे हो रहा है, ऑनलाइन पे किया जा रहा है। तो इसकी वजह से आज के डेट में जीएसटीएन नेटवर्क हम लोगों ने देखा था वो यहाँ पर किया जा रहा है जीएसटीएन नेटवर्क के तहत। तो जीएसटीएन नेटवर्क के तहत यहाँ पर जो पहले टैक्स अथॉरिटी हुआ करती थी वो टैक्स कलेक्ट किया करती थी। अब टैक्स अथॉरिटी आ गई है, उसकी वजह से क्या फायदा हो गया, उसकी वजह से एक और नया फायदा हो गया, वो क्या है, अब यहां पर टैक्स को इकट्ठा करने के लिए एक खर्चा नहीं देना पड़ता है। अगर मान लीजिए बहुत सारे ऑफिसर्स यहां पर रहेंगे उनकी सैलरी पे करनी पड़ेगी, और कई बार यहां पर करप्शन भी देखने को मिलता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती थी, तो दोनों ही तरीके से फायदा हो गया। मतलब दोनों ही तरीके से फायदा हो रहा है, यहां पर जो बनाया है उसके लिए फायदा हो रहा है और जिसके लिए बनाया है उसके लिए फायदा हो रहा है, प्रोड्यूसर के लिए फायदा हो रहा है और कंज्यूमर के लिए फायदा हो रहा है, और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया है, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है क्योंकि पहले बहुत ज्यादा टैक्स की चोरी होती थी, अब टैक्स की चोरी रुक चुकी है काफी हद तक। तो हर एक लेवल पर आप लोगों को फायदा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो अपने आप हो गई, आसान बिजनेस तो अपने आप हो गया, जब सब कुछ ऑनलाइन है, किसी के झंझट में नहीं पड़ना है, कहीं पर जाकर टैक्स पे करने के लिए ये नहीं बोलना है कि भाई साहब इतने पैसे लो हमारा टैक्स इकट्ठा कर लो। तो सारी बातें यहां पर आप लोगों के सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये नजर आ रही है सारी बातें। ओके, नेक्स्ट क्या बात है, अब ये जब यहां पर बात आती है टैक्स का कम करने की, तो टैक्स करने का कम करने का मतलब क्या है, जो बंदे टैक्स देने से डरते हैं वो क्यों डरते हैं, क्योंकि ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, तो इसकी वजह से टैक्स को भी यहां पर कम देना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा टैक्स बर्डन भी हो जाता है, मतलब ज्यादा लोग टैक्स पे करने पड़ते हैं, और मैक्सिमम फोकस किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर, जो ठेली लगाने वाले हैं अपना, जो देखते हैं आप लोग संडे मार्केट लग रही है, बुध बाजार लग रहे हैं, ये शनिवार की मार्केट लग रही है, तो इस तरीके की जो मार्केट है उनको भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा सके और उनको भी एनकरेज किया जा सके, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, उनको भी उनका उनके राइट का हनन ना हो। आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो पर्टिकुलर इस तरीके की मार्केट्स होती है, कोई पर्टिकुलर दहाड़ी वाला होता है कहीं पर डेली वर्क करने जाता है, या कोई आप लोगों को ठेले लगाने वाला दिखेगा जिससे पुलिस वाले आते हैं उनसे पैसे मार के ले जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। अगर एक बार को वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं तो प्रॉपर उनके लिए रूल और रेगुलेशन होगा, वो भी टैक्स पे करेंगे, उनके साथ में कोई ऐसी हरकतें नहीं कर पाएगा और वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ यहां पर जी पाएंगे, कोई उनको यहां पर इस तरीके से परेशान नहीं करेगा, तो ये भी एक काफी अच्छा लेवल यहां पर नजर आएगा और टैक्स की स्ट्रक्चर और बेस यहां पर बढ़ता हुआ आप लोगों के सामने होगा। नेक्स्ट बात यहां पर क्या है, जब ऑनलाइन चीजें होती हैं, जिस तरीके से मैं क्या बोलता हूं आप लोगों, कहीं पर भी आप लोगों कोई भी प्रॉब्लम है लेक्चर के अंदर तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, नीचे नहीं बताना है फेसबुक पर बताइए, और जहां पर भी आप लोगों को सुटेबल लगता है आप लोग मुझे इस तरीके से अब इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर एक फीडबैक मुझे मिलता रहता है, अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करता हूं अपने लेवल पर उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सके। इसी तरीके से यहां पर भी एक फीडबैक की मैकेनिज्म भी स्टार्ट हो जाती है, अगर कल को कोई प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है तो उससे हम फीडबैक लेकर उसको सॉल्यूशन निकाला जा सके, चाहे स्टेक होल्डर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे यहां पर कोई और तीसरा, तो ये भी यहां पर फायदा पहुंचाने वाला है। पर लेकिन अभी कई सारे छोटे छोटे टैक्स यहां पर अभी काफी बाहर है, और कई सारे बड़े बड़े टैक्स भी बाहर है, जैसे लोकल लेवल के हम लोगों ने कई सारे टैक्स देखे थे यहां पर जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लेवल पर है, और स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे टैक्स हम लोगों ने देखे थे, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, या फिर आप लोगों को देखने को मिला था यहां पर जिस तरीके से पेट्रोलियम के साथ साथ में कई सारे ऐसे जैसे कि दारू वगैरह के ऊपर आप लोग बोल सकते हैं उनके ऊपर टैक्स हो गया, तो ये अभी बाहर है, इनको जल्दी से अंदर लाया जाएगा। सिंगापुर मलेशिया ऐसी कंट्री है जहां पर जीएसटी का रेट देखने को मिलता है 7 और 6% रेस्पेक्टिवली, मतलब वन कंट्री का सिंगल रेट देखने को मिलता है, पर हमारे यहां पर रेंज है 0 से 28 के बीच में, कई सारी रेंज यहां पर आ जाती है। तो आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है और भी ज्यादा इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ को हम लोग लेकर चलेंगे आने वाले टाइम में, अगर हमारे यहां भी एक टैक्स रेट यहां पर देखने को मिलेगा तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो ये कई काफी शानदार बात आप इसको बोल सकते हैं, क्विक जर्नी यहां पर इंश्योर कर सकती है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, और आराम से यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड भी अच्छा सिग्नल जाएगा अगर हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाकर चलते हैं। तो आम और गुठलियों के दाम आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, हर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक काफी बड़ा रोल प्ले करेगा हमारी कंट्री की इमेज सुधारने में भी, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं।
आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी नए स्टूडेंट यहाँ पर हमारी फैमिली में जुड़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि शाम को हमारी पॉलिटी चलती है। पॉलिटी के लेक्चर अगर आप लोगों को देखने हैं, सारे लेक्चर आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग ये फेसबुक पर भी जा सकते हैं या फिर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को लेक्चर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। ये हम रिविजन भी कर रहे हैं साथ साथ में। यहाँ पर लेक्चर नंबर 83 है, यहाँ पर सतर्कता आयोग के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको सीबीसी बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आप लोग लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक भी है, कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट इसको यहाँ पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। तो रिवीजन करते रहिए, और जब रिवीजन कर लिया करें तो डन लिख दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कितने स्टूडेंट यहाँ पर साथ साथ में रिवीजन करके चल रहे हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को जिनका आंसर देना है, ये है पहला क्वेश्चन। यहाँ पर बात की जा रही है अमा गांव अमा विकास, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, मतलब हमारा गांव हमारा विकास की बात की जा रही है। यहाँ पर प्रोग्राम किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, काफी न्यूज में था, पता होना चाहिए थोड़ा। नेक्स्ट बात की जा रही है ट्राइपार्टाई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर तीन कंट्री के बीच में भी साइन की गई है, इंडिया और दो कंट्री और के बारे में है, जिसके तहत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन नजर आएगा, तो कंट्री का नाम बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, 2018 की सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने जीता है, अभी वुमेन में फर्स्ट टाइम ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, गोल्ड जीता है इंडिया ने, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिनसे मैंने आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क के बारे में, कहां पर लॉन्च किया गया था, ये था कर्नाटक, पता होना चाहिए थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को, ये मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था 2018 का जो यहाँ पर कल्चर फेस्टिवल इंडिया बाय द नाइल, तो ये आप लोगों को देखने को मिला था कहाँ पर, ये इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट पड़ती है ये आप लोग नाइल रिवर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। नाइल रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दो लेक जरूर याद रखेंगे यहाँ पर, लेक का नाम आप लोग देखते हैं, लेक विक्टोरिया, ये हो गई यहाँ पर, और दूसरी हो गई लेक टाना, दो से यहाँ से निकल कर आती है, लेक विक्टोरिया से निकल कर आती है व्हाइट नाइल, लेक टाना से निकल कर आती है ब्लू नाइल, दोनों यहाँ पर आकर मिल जाती है खारतून में, और फिर आगे चलती है, और यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है, और काफी बड़ा यहाँ पर डेल्टा बनाती है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर इंडिया और नाइल के, जो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तीसरा था यहाँ पर कश्मीर वैली के बारे में, तो यहाँ पर ये पड़ती है पीर पंजाल रेंज और द मेन हिमालय जो है उसके बीच में आप लोगों को नजर आएगी, लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगी जम्मू और कश्मीर में, और इस तरीके से थोड़ा यहाँ दिखाया भी गया है काजीरंगा, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ है कंजनाग रेंज, ठीक है ना, तो थोड़ा याद रख सकते हैं। हिमालय ऊपर देख सकते हैं, ये हो गया ग्रेट हिमालय, इसी तरीके से थोड़ा आप लोग निहारेंगे, ये हो गई पीर पंजाल रेंज, ठीक है। तो मैप थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए खासकर, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है इस वाले एरिया की बात यहां पर की जा रही है। देख लेते हैं क्या क्या आज हमने डिस्कस किया। फर्स्ट रॉकेट के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला से छोड़ा गया था और ये बाइसिकल पर ट्रांसपोर्ट किया गया था, तो थोड़ा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ऑल इंडिया रेडियो और यहाँ पर पीआईबी की जो न्यूज थी, इसके तहत आप लोगों को देखने को मिला जीसीएनई के बारे में, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप इंडिया और वियतनाम के बीच में, तो कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने को मिली। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला H4 वीजा के बारे में, यूएसए के द्वारा दिया जाता है H1 वीजा होल्डर के जो बच्चे होते हैं या फिर वाइफ होती है उनको दिया जाता है ये। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने मिला इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में, टोटल हम लोगों ने डिटेल में यहां पर डिस्कस किया क्या क्या एम है और क्यों यहां पर एक दूसरे को पास दिया जा रहा है जो कि पड़ोस में रहते हैं यहां पर, और टोटल हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कितना म्यांमार के साथ में हम लोग बॉर्डर टच करते हैं। नेक्स्ट आप लोग यहां पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में जानने को मिला, कब स्टार्ट किया गया, आपकी बार की थीम क्या है, टोटल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप लोगों को डिफेंस एक्सपो इंडिया 2018 जो कि चेन्नई में आपकी बार सेलिब्रेट किया जा रहा है, थोड़ा याद रखिएगा। हम लोगों ने देखा फर्स्ट दलित वुमेन सीनेटर पाकिस्तान में, इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, कृष्णा कुमारी कोहली। नेक्स्ट आप लोग यहां पर देखने को मिला इंडिया सैलोम, ये यहां पर नमस्ते सैलोम मैगजीन है, किसके बीच में, इंडिया और इजराइल के बायलेटरल रिलेशन को यहां पर दर्शाती हुई नजर आती है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया ये था सोमासिला डैम, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, लोकेशन देखी आंध्र प्रदेश में, और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर इसके देखा पीना रिवर के बारे में भी थोड़ा जाना। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आप लोगों को रिवीजन करना है जाके पॉलिटिकल लेक्चर। इसके अलावा योजना के तहत हम लोगों ने देखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किस तरीके से जीएसटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्कस करने के साथ में आप लोगों के यहाँ पे एक क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछे, इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो जरूर दीजिएगा, और ये जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर दीजिएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों ने कितने मार्क्स मिले हैं तीन में से। इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो पोस्ट करते रहिए, बहुत शानदार तरीके से आप लोग लगे हुए हैं, और एक मैगजीन टाइप की तैयार हो जाती है हमारे कमेंट बॉक्स में ही। और जो नए स्टूडेंट जिनको नहीं पता है, देखिए हर एक स्टूडेंट अपना नीचे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पोस्ट करता है, जो भी नया स्टूडेंट जुड़ता है वो भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है और एंजॉय उठा सकता है इस एक्सरसाइज का। ओके,
तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए। यहाँ पर आप लोग ये चीजों को फेसबुक पर शेयर भी कर दिया कीजिए। अगर चीजें पसंद आती है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाती है। सारे लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। प्लास्टिक वगैरह कम से कम यूज कीजिए और मिलजुल कर रहिए, और किसी को पढ़ा दिया कीजिए अगर थोड़ा भी आप लोगों को टाइम मिलता है तो। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।